ये बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरुण। वरुण, सबसे पहले ओवरऑल बताइए मूड कैसा है ब्रोकरेज हाउसेस का इस बजट के बाद। देखिए, ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि ये जो बजट था ना, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए तो अच्छा था, 10 साल का ये बजट था, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के पेन है, जो ग्रोथ को लेकर पेन है, जो स्लोडाउन को लेकर पेन है, उसके ऊपर सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करने पे सरकार का ज़्यादा ध्यान इस बार के बजट में रहा है। और इनका एक और बात कहना है कि अब जो ग्रोथ लाने की जिम्मेदारी है ना, वो दरअसल आरबीआई पे आ जाती है। अब आरबीआई को और एग्रेसिव रेट कट करना पड़ेगा अगर ये ग्रोथ लाना चाहते हैं तो। कहीं ना कहीं जो उम्मीदें थी कि स्लोडाउन और ग्रोथ की चिंताओं को सरकार इस बार कंसर्न्स को बराबर करेगी, वो शायद इस बार करते हुए नहीं दिखाई दिया है। और एक लॉन्ग टर्म का ये बजट है, फिस्कल के ऊपर सरकार का ज्यादा फोकस था, ये ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस का कहना है। तो लॉन्ग टर्म साइकिल के लिए शायद एक बढ़िया बजट, शॉर्ट टर्म में इसका थोड़ा सा पेन देखने को मिलेगा और आरबीआई पर ज्यादा दारोमदार है। लेकिन आपने तो ढेर सारी रिपोर्ट्स पढ़ी है, दो दिन थे आपके पास, ये बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली अब क्या ब्रोकरेजेस के मन में वो कौन से स्टॉक्स आए हैं जो फटाफट ले लेने चाहिए, कौन सी वो अनाउंसमेंट्स है जिनके चलते कुछ ऐसे स्टॉक्स होंगे जिनसे एकदम दूर रहना चाहिए, जहां पर पोजीशंस शायद ये दिग्गज एफआईआईस भी लिक्विडेट करेंगे। डेफिनेटली, देखिए मैंने तो करीब करीब 12-15 रिपोर्ट पढ़ी है, एसपी उससे ज्यादा भी होगी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बताता हूँ। सबसे पहले तो यूबीएस की एक रिपोर्ट है, इनका कहना है कि जो 25% का थ्रेशोल्ड है कॉर्पोरेट टैक्स में, जो बढ़ाया गया है, पहले 250 करोड़ था, अब उसको 400 करोड़ तक बढ़ा दिया गया आपके टर्नओवर का, उसके जो दो बड़े बेनिफिशियरीज होंगे ना, वो एमसीएक्स और आईएक्स होंगे। तो इन दो स्टॉक्स को आपको रडार पे रखना चाहिए। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई है 25% से बढ़ा के अब 35% की है, उसका कुछ कंपनीज पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, क्योंकि इनको अब अपने शेयर्स अपलोड करने पड़ेंगे। और इसमें खासकर जो आईटी कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज है वो रडार पे रहनी चाहिए। और कंपनी स्पेसिफिक बोल तो विप्रो, एवेन्यू सुपरमार्ट, बॉश, एबीबी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये वो कंपनियां हैं जिनके जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है 75% के आसपास है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, वैसे तो ब्रोकरेज हाउस इन कंपनीज के लिए नेगेटिव बोल रही है, लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि इससे ओवरऑल इनका एमर्जिंग मार्केट में वेटेज जो है बढ़ेगा, एमएससीआई में वेटेज बढ़ेगा, तो शायद उस लिहाज से पॉजिटिव भी हो सकता है। वहीं सरकारी कंपनीज में सरकार ने कहा है कि अपनी शेयर होल्डिंग कम करेंगे, इससे भी काफ़ी पेपर जो है मार्केट में आएगा, इसके चलते काफ़ी सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनको फायदा होगा क्योंकि इनका वेटेज बढ़ेगा। उसमें आईओसी, एचपीसीएल, गेल, पावरग्रिड, एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे काउंटर जो है वो शामिल है। यूबीएस का दिसंबर 2019 तक निफ्टी का लक्ष्य 12,000 का है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में प्रभुदास लीलाधर की भी पढ़ रहा था और उनका 12 महीने का निफ्टी का जो लक्ष्य है वो 13,444 का है, यानी कि 13,446 का लक्ष्य दे रहे हैं। इन लेवल्स फिलहाल के लेवल से तो बहुत ऊपर का स्तर वो देख रहे हैं। अब सीएलएसई की रिपोर्ट बताता हूँ, इनका कहना है कि जो पब्लिक शेयर होल्डिंग के नॉर्म्स नए लाए गए हैं उससे करीब $35-40 बिलियन के आसपास का पेपर जो है वो मार्केट में अगले 3 से 4 साल में आने वाला है। जिन कंपनीज पे इंपैक्ट होगा, सबसे पहले तो टीसीएस, विप्रो और एचडीएफसी लाइफ है। इसके अलावा जो पीएसयू बैंक को 70,000 करोड़ दिए गए हैं उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। पीएनबी और यूनियन बैंक को अफोर्डेबल हाउसिंग में जो टैक्स के इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया है उसका फायदा एचडीएफसी, एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस और सीमेंट कंपनीज को होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ सीएलएस से कुछ अलग राय रखता है, इनका कहना है कि जो सरकारी कंपनीज में डिसइन्वेस्टमेंट होगा और सरकार का हिस्सा कम होगा ना, उसका नेगेटिव इंपैक्ट दरअसल आईओसी, बीपीसीएल, गेल, पावरग्रिड और एनटीपीसी पे होता हुआ दिखाई दे सकता है। इंफ्रा और रेलवेज पे केपक्स जो बढ़ाया गया है उसका फायदा सद्भाव जैसी कंपनीज को होगा। अडानी पोर्ट, आईआरबी इंफ्रा और एनटीपीसी पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, जो आईटीसी पे खबर आई थी आपको याद होगा कि जो ओवरऑल टैक्स है उसको बढ़ा दिया गया, इनका कहना है कि वो एक्चुअली आईटू, क्योंकि जितना बढ़ाया जाना चाहिए था उतना नहीं बढ़ाया गया है और ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा सोप्स के ऊपर इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है, तो एचयूएल और गोदरेज कंज्यूमर्स पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। अब टाइटन की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि जो गोल्ड पे इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ाई गई थी, तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि इससे नेगेटिव इंपैक्ट होगा, लेकिन क्रेडिट स्विस कहता है कि इसका मार्जिनल पॉजिटिव इंपैक्ट आपको टाइटन पे देखने मिलेगा क्योंकि इसके चलते ओवरऑल जो गोल्ड की डिमांड है वो बढ़ते हुए नजर आएगी। जो पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ाई गई है उसका नेगेटिव इंपैक्ट में इनके लिस्ट में जो नाम है उसमें एवेन्यू सुपरमार्ट, जिलेट, पीएनजी, कंसाई, डाबर, पीडीलाइट और टीटी के जैसे काउंटर्स शामिल है। वहीं देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग को जो पुश दिया गया है उसका फायदा हेवल्स, क्रॉम्पटन, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट जैसे काउंटर्स को मिलेगा। सबसे आखिरी में नमूरा की रिपोर्ट, ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एमएनएम फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जो बैंक्स और एनबीएफसी को फायदा पहुंचाया गया उसके लिए, और पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उनको सबसे ज्यादा कैपिटल मिल सकता है इस पूरे पीएसयू रिकैप में, ये नमूरा का कहना है। ऑलराइट, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रहने वाली, विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर इस समय की सबसे